खबर का रुख करेंगे, जहां पर कांग्रेस नेता और हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को लेकर यूपी की तर्ज पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है कि केवल ये है कि प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स नीति के तहत ये सुधार किया जा रहा है कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही दुकानें संचालित कर सके। हालांकि प्रदेश सरकार ने अभी ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए। जो यूपी के पैटर्न पर हो कि यूपी की तर्ज पर कोई आदेश, ये बेवजह का एक वो है जो विक्रमादित्य ने भी कहा है। उन्होंने ये कहा कि ताकि वहां पे जो है सुधार हो के जो वैध रूप से है वही जो है वो दुकानें या रेडी वाले बैठ सके। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सब दलों के लोग लिए और कैसे रेहड़ी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हो, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। कोई यहाँ ये थोड़ा कि फोटो लगा के और सामने रख के रखा जाएगा कि डिस्प्ले किया जाएगा कि दिखाया जाएगा कि ये फला की दुकान ये दिखा दुकान, उनको वो वितरित किए जाएंगे लाइसेंस उस जगह का। सिर्फ इतना ही है, उसको बेवजह का तूल और गलत दिया जा रहा है, ऐसा कोई हिमाचल सरकार का आदेश नहीं है सर। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है, लेकिन राजनीतिक बात ये है, जब किसी ऐसी जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री उसको लागू करते हैं, उसको कंडेम करती है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, लेकिन उन्हीं मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाकर हिमाचल के मंत्री बाकायदा इस बात को प्रचारित करते हैं। अब सोशल मीडिया पर कौन क्या डाल रहा है तो नहीं पता मुझे, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ भी आजकल चल जाता है जब तक वेरीफाई ना हो। लेकिन विक्रमादित्य सिंह बात है, उन्होंने भी स्पष्टीकरण की मैंने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ जो है कोई यूपी के पैटर्न पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे नियमित होके जो रेहड़ी वाले हैं जो ये है उनको जगह आवंटित हो उसके लिए सिर्फ बात कर रहे थे, और इस तरह की कोई बात नहीं। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, स्वयं भी देंगे, और मुख्यमंत्री सुनवाए तो उन्होंने भी एकदम स्पष्ट किया, ऐसा कोई सरकारी आदेश है।